हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे यूकेरिया दे विच साडे कोल कहिंदे द डोमेन यूकेरिया कंटेन्स ऑल द यूकेरियोट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इहदे विच साडे कोल की आ जांदे ने सारे ही जिहड़े हैगे ने मतलब यूकेरियोट्स आ जांदे ने। यूकेरियोट्स बारे तुहानू पता वा कि वह वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हां दे न्यूक्लीअस दे आले दुआले न्यूकलीअर मैम्ब्रेन हुंदी आ उहनां नू यूकेरियोट्स बोलदे ने। दीज लिविंग फॉर्म्स आर ओरिजिनेटड बाय सिंबायोटिक एसोसीएशन बिटवीन सम आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हाँ जी स्टूडेंट, जिहड़े ये वाले ऑर्गेनिजम्स ने ये एसोसीएशन सिम्बायोटिक एसोसीएशन के जरिए फॉर्म होंगे ने। मीन सिम्बायोटिक एसोसीएशन की होंगी आ, सिम्बायोटिक एसोसीएशन वो वाली एसोसीएशन है जिदे विच गिवन एंड टेकिंग वाला रिलेशनशिप होएगा। मीनस दोनों ही जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने एक दूसरे नू हार्म नहीं करनगे। सो इहदे विच वो वाले हैगे ने आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, अगे इन्हां दीआं चार किंगडम्स ने, इस डोमेन्स दीआं फोर किंगडम्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्रोटिस्टा दे विच ओ वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने आ जांदे ने जिहड़े बहुत ही छोटे ने, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम ही असीं कह दिंदे आ, बट ज़्यादातर वह की आ अंडर माइक्रोस्कोप देखे जाते हैं ते उन्हां दे नाल फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर लगियां हुंदियां ने। सो स्टूडेंट, नैक्सट वन इज़ द फंगस। इहदे विच सारियां ही फंगस जांदियां ने फंजाई दे विच, ते जिहड़ियां कि मतलब कि लाइट तो अपोजिटली ग्रो करदियां ने, मीनस हनेरे वालियां जगह ते हुंदियां ने। जिवें असीं पंजाबी दे विच असीं उल्लियां कह दिंदे आ, वह सारा फंजाई दे विच आ जांदा वा। दैन प्लांटी अंडर सारे ही जिहड़े ऑल प्लांट्स ने वह इन्हां दे कैटेगरी दे अंडर आउंदे ने। दैन एनिमिलिया दे विच ऑल लिविंग जिहड़े एनिमल्स ने वह आ जांदे ने। ओके स्टूडेंट्स, इस दे विच फोर किंगडम्स ने। दैन असी आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया के डिफरेंस बारे पढ़ांगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी बैक्टीरिया यूकेरिया असी पहला का सॉरी आर्के किया, फिर असी बैक्टीरिया किया, फिर असी यूकेरिया किया। सम डिफरेंसिस हैगे ने इन्हां दे विच। सब तो पहला साडे कोल सैल टाइप आ जांदी आ। सैल टाइप दे विच असी की देखांगे, सैल टाइप दे विच की होएगा, सब तो पहला देखांगे कि प्रोक्रियोट्स ते यूकेरियोट्स किहड़े ने। आर्के ते बैक्टीरिया, जिहड़ा आर्किया ते बैक्टीरिया जिहड़ियां डोमेन्स ने वह दोनों प्रोक्रियोट्स ने, ते यूकेरिया दे विच सारे ही की आ जांदे ने यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सैकेंड थिंग इज़ द हिस्टोन्स। हिस्टोन्स की होंदिया ने, हिस्टोन्स जिहड़े हैगे ने वो वाले मतलब कि प्रोटीनस होंदिया जिहड़ियां विदिन जां असी कह दिंदे आ सैल दे न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट होंदिया ने, जां असी कह दिंदे आ भी न्यूक्लियस दे विच जिहड़ा डीएनए जां क्रोमोसोम्स दे कोल जिहड़ियां प्रोटीनस पईआं ने हिस्टोन्स होणगियां। दैन आर्किया दे विच सिमिलर होणगियां हिस्टोन्स दे नाल रिलेटड, मतलब हिस्टोन नहीं होणगियां प्रॉपरली बट हिस्टोन दे वर्गियां होणगियां। बट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया दे विच हिस्टोन नहीं होणगियां ते यूकेरिया दे विच हिस्टोन्स होणगियां। जे असी इंट्रॉन्स की गल करिए, सम इंट्रॉन्स आर्किया दे विच प्रेजेंट होणगे, बैक्टीरिया दे विच इंट्रॉन्स नहीं होणगे, बट यूकेरिया दे विच जिहड़े हैगे ने ज़्यादातर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होणगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इंट्रॉन्स वो वाले डीएनए दे सिगमेंट्स ने जिन्हां दे कोले सम जेनेटिक इनफॉर्मेशन हुंदी आ। मीनस ओ वाले डीएनए दा पार्ट जिन्हां कोले की हुंदी आ जेनेटिक इनफॉर्मेशन होएगी, उन्हां नूं इंट्रॉन्स बोलदे ने। दैन राइबोसोम साइज 70S राइबोसोम्स आर्किया दे विच होएगा, 70S राइबोसोम बैक्टीरिया दे विच होएगा, बट इन द केस ऑफ यूकेरिया दे विच 80S राइबोसोम्स होणगे। ओके, दैन सैल वॉल कंपोजिशन दे विच असी गल करिए, सैल वॉल कादी मटीरियल दी बनी हुंदी आ। इन द केस ऑफ आर्किया दे विच मेड ऑफ प्रोटीनस दी बनी हुंदी आ, बट बैक्टीरिया ते यू दे विच गल करिए तां पेप्टाइडोग्लाइकेन दी बनी हुंदी आ। मीनस पेप्टाइड मीनस प्रोटीनस एंड ग्लाइकोजन मीनस असीं ग्लूकोज तो बनिया होणगियां, बट यूकेरिया दी गल करिए नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। हाँ जी स्टूडेंट, यूकेरिया यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर सैल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगी, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स जिहड़ी सैलुलोज ते फंगस दे विच काइटिन दी बनी हुंदी आ। ये नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स, प्लांट्स दे विच यूकेरिया दे विच ज़्यादातर सैल वॉल एबसेंट हुंदियां ने, बट अगर प्लांट्स ते फंगस की गल करिए, प्लांट्स दे विच जिहड़ा हैगा वा सैल वॉल सैलुलोज दी बनी हुंदी आ, बट फंगस की गल करिए काइटिन नां दी प्रोटीन दी बनी हुंदी आ।
दैन साढ़े को मोनीराज आ जाते हैं एंड प्रोटेस्टेंट्स आ जाते हैं प्रोटेस्टा जिद रिलेटड आ तो मोनीराज आ जाते हैं ओके एज वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस अबाउट द टॉपिक मोस्ट वाइडली अक्सैप्टड फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन गिवन बाय वाइटेकर इन जर्नल हाँ जी स्टूडेंट असी मतलब कि ऑलरेडी पहला भी बहुत कुछ ये बारे पढ़ चुके हैं जो कि असी फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन के करैक्टर्स किए जो कि वाइटेकर ने दिते से असी बहुत ज़्यादा जोड़ा है मनीरा तो प्रोटेस्टा दे रिलेटड वाले जोड़े है असं कहने भी करैक्टर्स जोड़े असी फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन के पढ़े ने सेम करैक्टर ही ये रिलेटड होंगे ओके Now we will study in detail about the Moniras and Protestants before the other three kingdoms. हाँ जी students, हुण की आ इहदे नाल असीं मतलब कि डिस्कस करने अलग अलग जिहड़े मनीरा ने प्रोटेस्टा ने इस तो इलावा जिहड़ियां भी इन्हां दीआं किंगडम्स ने वह असीं डिस्कस करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच दिस इज़ बिकॉज मोनीराज आर दो टू हैव गिवन राइज टू द Protestants from which the remaining three has been evolved along the separate lines. हाँ जी स्टूडेंट इहदा मतलब की है जिहड़े प्रोटेस्टेंट्स ने तां असीं कह दिंदे आ मोनीराज ने वो प्रोटेस्टा तो अराइज़ होए ने बट बाकी जिहड़े हैगे ने जिहड़ियां थ्री जिहड़े हैगे ने ओह बाकी होर किसी मतलब कि असीं कहते हैं उन्हां दे एंसेस्टर की होणगे बखे होणगे बट जिहड़े मोनीराज ने ओह प्रोटेस्टा तो ही अराइज़ होए ने बाकी जिहड़े होर दी जिहड़े एनिमल्स दी सॉरी असीं डोमेन्स की गल करांगे जिहड़े ओह की आ ओह किसी होर मतलब एंसेस्टर तो अराइज़ होए होणगे ओके स्टूडेंट्स